तो नमस्कार दोस्तों, हमारे घर आई हैं और भाभी हैं मेरी, और आप लोगों को परिचय कराते हैं। तो भाभी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कुछ बोल दीजिए मेरे चैनल के बारे में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? और मैं आई हूँ भैया के घर, और भैया का चैनल का नाम है मंजूरी 642। और दोस्तों, और मेरा चैनल का नाम है सोनम डिक्के 225। तो क्या कहना चाहती हैं? ये भोजपुरी बोलती हैं तो आपकी भाषा समझ नहीं पाई, इस वजह से थोड़ा देर हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, ये माफ़ी गलती हुई, भाषा नहीं समझ पाती है यहाँ की, तो इस वजह से भोजपुरी समझती। तो हम लोग भैया भोजपुरी बोलने पर समझ तो जाते पर बोल नहीं पाते। तो दोस्तों, कल से आई हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तो छोड़ के जा रही हैं, बोल रहे हैं मत जाइए, पर जा रही हैं क्योंकि पेट का सवाल है। ये भूखा पेट क्या क्या ना कराए, लेकिन सबसे अच्छी दीदी है, दीदी के अंदर बहुत प्यार है। कहाँ प्यार है, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं हमारे साथ, ये भी परेशानी दिक्कत झेलने आ जाती है। एक दो दिन बहुत सारे दोस्त आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती मेरे झोपड़ी में, दिक्कत सही है होती, पर बोलेंगी नहीं, झोपड़ी तो माल है, जल्दी से घर बनवा लूँ ताकि दो चार दिन, क्योंकि दोस्तों मेरी स्थिति देख के लोग चले जाते हैं कि मेरी वजह से उनको दिक्कत ना हो। मैं समझती हूँ लोगों को, भैया भी ये सोच रहे हैं कि मेरे जैसे भाभी को दिक्कत हो रही है, तो एक दो दिन बहुत हो गया, तो अब जाएंगे घर को ताकि दिक्कत ना हो, जल्दी से झोपड़ी मेरा घर जल्दी बन जाए, तो एक नहीं चार दिन रहना पड़ेगा, रहेंगी घर आ जाएंगे, और फिर इन लोगों के लिए अलग रूम बनवा रहे हैं, अलग रूम जो भी आएगा उसके लिए अलग रूम रहेगा, ताकि अच्छे से खाए पिए मेरे किचन में, मेरे यहाँ नहाए धोए अच्छे से रहे मस्त, औरों की तरह नहीं कि लोग बोलते हैं कि हमारे किचन में खाओगी, तुम्हारा मतलब यहाँ ही हो तो मेरे किचन में खाओगी, मेरे नलके पे नहाओगी, हगो मुतोगी, ये करोगी वो करोगी, फला दिमा का मेरे यहाँ ये सब नहीं। हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, सारे दोस्त हैं, एक फैमिली है, एक परिवार है, तो हमें अपने परिवार से दूर नहीं रहना है। तो भैया जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, आप भी कुछ बोल दीजिए। कुछ बोल दीजिए भाई। बोल दो भैया का नाम है। तो भाई, ये लोग आए हुए हैं काफ़ी दूर दूर से, तो जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते हैं आप लोग, उसी तरीके से मेरी भाभी को भी सपोर्ट कीजिए। और भाभी की आईडी का नाम है, भाभी खुद बताएंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल का नाम है सोनम डिक्के 25, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइबर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं इस टाइम पर, क्योंकि घर पे काम चल रहा है ना, हम लोग खुद अपना घर खुद से बना रहे हैं, खुद की मेहनत से, लोग लेबर मिस्त्री डाल देते हैं, पर हमारे घर में मिस्त्री हैं, मेरे ससुर जी, मेरे पापा हैं, और हम लोग लेबर हैं, हम लोग काफ़ी हैं अपना घर बनाने के लिए। मिस्त्री डाल तो देते ही हैं, वो बात उतना पैसा नहीं हम लोगों के पास, पेमेंट, और फिर अपनी मेहनत अपने हाथ कर लेंगे तो वही बचेगा, तो हमारा आगे का होगा। ये बिल्कुल सही। तो दोस्तों, वीडियो को इसी समय, लोगों की ट्रेन 12 बजे की है, छूट जाएगी, ये लोग जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सिस्टर हाँ लाई थी बेचारे, जो काम करते हैं वो लोग, वही हमारे लिए भी लेकर के आए थे। अच्छे से खोलना, कहीं टूट मत जाए। हाँ यार, ये और अच्छा लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये गमला और गुलदस्ता लेके आई थी, बहुत ज़बरदस्त है। और ये दोनों लाई थी, और क्या निकाल रही हो? ये देखिए, कपड़े भी लाई थी बेचारी, जबकि हम लोगों ने मना किया कि कुछ मतलब भी, मैं कॉल करके ही आई थी, हमने बहुत मना किया कि सिस्टर कुछ नहीं लाना, मेरे लिए कुछ नहीं लाना, पर नहीं, वो ले करके आई। ये सूट है, कैसा लगा आपको? मस्त लगा हमको भाई, बहुत अच्छा लगा। टॉप है क्या ये? नहीं, ये दुपट्टा है, स्टॉल। हाँ, अच्छी, बहुत प्यारा गिफ्ट लाई आप सिस्टर मेरे लिए,
थैंक यू आपको, और चली गई हैं आज अपने घर से, और धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, पर बोलते नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बेचारी इतना दूर से मेरे पास आ गई कि दीदी से मुझे सपोर्ट मिलेगा, पर मैं क्या करूँ, मैं कैसे सपोर्ट करूँ, वो तो सब आप लोगों के ऊपर है। तो दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हाँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बेचारे चार पैसे के लिए वो भी परेशान होते हैं, हम भी चार पैसे के लिए परेशान होते हैं, कि जैसे सबका भला आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के जरिए से होता है, तो हम लोगों का भी होगा। हम लोग बेरोजगार हैं, कुछ खेती बाड़ी उतना हम लोगों के पास नहीं, घर द्वार नहीं है, कोई चीज़ नहीं हम लोगों के पास। आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि सबके पास वो होता है, लोग यहाँ कार से घूमते हैं, कैसे कैसे घूमते हैं आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के एक लाइक शेयर कमेंट से। तो यही हम लोग भी सोच करते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हमारे बाल बच्चे भी झोपड़ी से रह के छोटे से मकान में जाएंगे, और हम लोगों की भी ज़िंदगी अच्छी होगी, ये सोच के हम लोग भी वीडियो बनाते हैं। पर ऐसा बहुत कम होता कि हम गरीबों को सपोर्ट कहाँ मिलता है।